सिग्नेचर करता क्या है? बेसिकली ये इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करता है आपके। सबसे पहले तो ये आपकी आइडेंटिटी बताता है, ये आपके आपके एग्जिस्टेंस का बेसिक है, बेसिस है ये। ओके, आपकी पर्सनालिटी का मिरर है, आपकी जो सबकॉन्शियस स्टेट है, जो आपके अंतर अंतर जो आत्मा अंतर मन होता है, वहां पर जो चीजें स्टोर्ड है, उसका ये आईना होता है। आप किस तरह से सोचते हो, किस तरह से अपनी लाइफ को जीते हो, वो सब सिग्नेचर और हैंडराइटिंग बता। आपकी ग्रोथ किस एस्पेक्ट में अच्छी है और किस किस पॉइंट पर आप लैक कर रहे हो, ये सब आपको इसमें पता चलता है। जैसे हेल्थ है, आपकी रिलेशनशिप्स हैं, फाइनेंसेस हैं, सोशली आप किस तरह से आपकी सेल्फ एस्टीम है, या सोशली आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हो, या कैसे लोग आपको इंटरप्रेट करते हैं, वो सब आपको सिग्नेचर एनालिसिस में आया। अब सबसे पहले तो आप ये सीखिए कि सिग्नेचर्स कितना पुराना है, ये एग्जिस्टेंस कैसे है आपका। पहले हम लोग सोचते थे ना कि स्टोन एज होती थी, वहां पर भी जो केव की वॉल्स होती थी उसके ऊपर भी कुछ पिक्चर्स या कुछ लिखावट होती थी, जो अलग बात है हम समझने में बहुत टाइम लगाया हमने, बट ये सब जो चीजें हैं ये स्टोन एज से चली आ रही है, या ये कहें इसको कि बहुत पुरानी है। जो केव मेंस होते थे वो भी एक तरह का इम्प्रिंट करते थे या पेंटिंग्स बनाते थे, वो उनके थॉट प्रोसेस को दर्शाता था, राइट। फिर धीरे धीरे सील्स आई, जैसे हम कहते थे ना कि पहले के जमाने में क्या होता था, सील होती थी, कुछ भी आपने लिख दिया, जो राजा महाराजा होते थे उस टाइम के अगर हम एजेस को देखें तो कुछ फरमान हुए उसके ऊपर सील लगा दी तो वो आपकी गवर्नमेंट की सील जिस तरह से होती है वो होती है, उस तरह से वो काम कर, है ना। इस तरह के आपने ठप्पे देखे होंगे पेपर्स के ऊपर। उसके बाद धीरे धीरे आया थंब इम्प्रिंट, राइट। तो थंब इम्प्रिंट भी आपका सिग्नेचर होता है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो थंब इम्प्रिंट से काम करते हैं, और यही हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है। आज की भी, आज की डेट में भी अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो कहीं कहीं पर आपसे थंब इम्प्रिंट लिया जाता है, राइट, क्योंकि ये आपका एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन है, आप कौन हो, राइट। अब आइडेंटिफिकेशन क्या सिर्फ थंब इम्प्रिंट या सिग्नेचर में क्या आप लिख रहे हो वही होता है, या सिग्नेचर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी आती है सामने?